कोरबा में छठ पूजा को लेकर छठ घाट में साफ सफाई को लेकर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। वार्ड 18 के पार्षद चंद्रलोक सिंह ने बताया कि विगत 14 वर्षों से छठ पूजा घाट की साफ सफाई का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। भाजपा कार्यकाल में जिस समय उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन महापौर बने थे, तभी छठ घाट का निर्माण किया गया था। इसके बाद वहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ था। छठ घाट में छठ पूजा करने के लिए 10,000 श्रद्धालुगण आते हैं और छठ पूजा में पहली बार छठ पूजा के साथ साथ गंगा आरती का भी आयोजन रखा गया है। जो नदी की सफाई होती है, गहरीकरण किया जाता है, वो मैं व्यक्तिगत आज करीबन 13-14 साल से कर रहा हूँ। बाकी जो घाट के ऊपर की घास, उस जो सांप बिच्छी का जो जगह है, वो सब व्रतधारियों के लिए कराया जाता है अच्छे से, वो नगर निगम के द्वारा कराया जाता है। बाकी जो घाट के अंदर की सफाई है वो हमारे द्वारा किया जाता है। भगवान उतना सक्षम बनाए हैं तो मेरा तो विचार है पूरे हर जगह जहाँ पर हो सके मैं जाके करूँ, लेकिन जहाँ तक बनता है सब जगह घाट किया जाता है। घाट के अंदर एक मशीन ही काफ़ी है, छोटा सा तो हमारा ढेंगू नाला नदी है, जितना दूर है उतना दूर को सफाई करते हैं। बाकी निगम में इस साल लेटर दिया गया, क्योंकि ये जो नीचे स्लैब बिछा हुआ दिख रहा है, यह हमारे माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी जिस समय महापौर थे उसी समय यहाँ कार्य हुआ। उसके बाद यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। इस बार फिर से हमारे मंत्री जी बने हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य कराया जाएगा नगर निगम के द्वारा, जो व्रतधारियों के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो।